तीर्थोत्तम भवई नीरई क्षीरवारिद रूप गई इष्णप्याम जन्मापतांजनान सर्वार्थ सिद्धां मेरु नगर के अजितनाथ जी को भक्ति से नहलाओ मेरु नगर के अजितनाथ जी को भक्ति से नहलाओ सारी इंद्राणियां अपने दोनों हाथ ऊपर खोलती हुई चमन ढुलाते हुए बड़ी भक्ति के साथ नृत्य करते हुए बोलिए अजितनाथ भगवान की ओ सब मिलकर कलश ढुराओ भक्ति में झूमो गाओ सब मिलकर कलश ढुराओ हर्षित मन से यूं गाओ नेहरू नगर के अजितनाथ जी को भक्ति से नहलाओ नेहरू नगर के अजितनाथ जी को भक्ति से नहलाओ जल की धारा चमकेगा भाग सितारा जो डाले जल की धारा चमकेगा भाग सितारा प्रभु को प्रभु को प्रभु को नैनो बीच बसाओ भर भर के कलश ढुराओ प्रभु को नैनो बीच बसाओ भर भर के कलश ढुराओ प्रभु को मन हृदय में बसाओ भर भर के कलश ढुराओ प्रभु को मन हृदय में बसाओ भर भर के कलश ढुराओ जल भरे भरे लाओ सारे इंद्रों को बुलाओ आज प्रभु जी का नवन कराना है आज प्रभु जी का नवन कराना है मस्तकाभिषेक महा मस्तकाभिषेक जैसा चाहो ओम नमः सिद्धेभ्या सिद्धिराजाय नमः नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अध्यायाणं नमो लोहे सभ्यसावुणं चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पर्णतो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगोत्मा अरिहंता लोगोत्मा सिद्धा लोगोत्मा साहु लोगोत्मा केवली पर्णतो धम्मो लोगोत्मो चत्तारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि सर्व शांतिम पुष्टिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु ओम भ्रूम छूम फट क्रीटिम क्रीटिम घातय घातय पर विज्ञान स्फोटय स्फोटय सहस कर्णदान कुरु कुरु परमद्राम छिंद छिंद परमंत्रान भिंद भिंद बाह बाह छाम छाह भ्रूम फट सर्वशांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीम श्रीम क्लीम अरहम अस्याय अनाद्य देणुरंतरम सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम आरा सीम आहराम सीम आहुरूम उहरूम शहरा जगदा पास मनासना है रीम श्रीम शांति नाथाय नमः शांति कुरु कुरु ओम रीम श्री शांति नाथाय अशोक तरु सत प्रातिहार मणिताय अशोक तरु सत प्रातिहार सुवर्ण प्रदाय हम ब्रह्म विजय सुवर्ण शांति कराय नमः शांति कुरु कुरु ओम रीम श्री शांति नाथाय सुर पुष्प वृष्टि सत प्रातिहार मणिताय सुर पुष्प वृष्टि सत प्रातिहार सुवर्ण प्रदाय भमलूम भी जय सुदय शांति कराय नाथ शांति कराय नाथ शर्मा सर्व शांति चामरोजल सत प्रातिहार मणिताय चामरोजल सत प्रातिहार स्वर प्रदाय मम रूम भी जय सुदय शांति कराय नमः सर्व शांति गुरु गुरु ओम ऋषि शांति नाथाय सिंहासन सत प्रातिहार मणिताय सिंहासन प्रातिहार स्वर प्रदाय गमलूम भी जय सुदय शांति कराय सर्व नमः सर्व शांति गुरु गुरु दंडवि सत प्रातिहार मणिताय दंडवि सत प्रातिहार स्वर प्रदाय ओम ऋषि शांति नाथाय छत्रते सत प्रातिहार मणिताय छत्रते प्रातिहार सुवर्ण प्रदाय खम रूम विजय सुदय शांति कराय नमः सर्व शांति गुरु गुरु ओम ऋषि शांति नाथाय प्रातिहारी अष्ट संहिताय बीजाष्टमंडल मणिताय सर्व सर्व शांति कराय नमः सर्व शांति गुरु गुरु
तो भक्ति प्रसादात लक्ष्मीपुर राजगृह पदभिष्ट उपद्रव दारिद्र्य उपद्रव सचक्र उपद्रव प्रचंड पवनाजल उद्भव उपद्रव साकनी डाकनी उद्भुषात कृत उद्भव दुर्भिक्ष व्यापार प्रतिरोध उपद्रवाणाम विनाशनम भवतु श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्य आगर आरमारोग्यस्तु सदास्तु सर्वेषां समागम सर्वेषां शांति धारा कर्तारा श्री युवा मंडल सदस्याणां कुलदीप तनु कनिष्का सौरभ अंकुर रोली सारांश दीपाली नित्या भव्या दिया नितेश रेणुका अनामिका अभिषेक उत्सर्ष अर्चना अंकुर गरिमा अभिषेक नवन प्रियांशी नेहा विद्युत काजोल आदि सोनम विमित रौनक भारिल आदि विमित पायल बड़कुर श्रीमान मनोज कुमार प्रधान अनु प्रधान पूर्व प्रधान समस्त प्रधान परिवार से सकल दिगंबर जैन समाज से उपस्थित श्रावक श्राविकाणाम रत्नत्रय विधानस्य समस्त पात्राणाम सौधर्म ईशान शानत कुमार महेंद्र यज्ञनायक महायज्ञनायक धनपति कुबेर श्रावक श्रेष्ठी समस्त जन परिवार से उपस्थित श्रावक श्राविकाणाम नित्य मारोग मस्तु सर्वेषां पुष्टिरस्तु सदास्तु तुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु कुलगोपदंदन सदा संतो सदास्तु श्री सद्धर्मे बल आयु आरोग्य सेवदिरस्तु सदास्तु परम पूज्य मुनि श्री अजित सागर मुनि श्री आचार्य गुरु वासी विद्यासागर जी महाराज परम पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज एक श्री विवेकानंद सागर जी महाराज स्वास्थ्य लाभार्थम एवं अनुनयमती हरिका स्वास्थ्य लाभार्थम समस्त उपजनान समस्त ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी गण ओम राम ओम रीम राम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थ भवतु संभूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र चतुर्थ प्रातःहरि मध्ये चतुर्थ स्थापयामि। सम्यक दर्शन की बात पहले दिन की थी, दूसरे दिन कल सम्यक ज्ञान की बात हुई। पाठशाला का कार्य उद्भव भी हुआ। ज्ञान के क्षेत्र में लोगों ने अपना कुछ दान भी दिया, घोषणाएं की, लेकिन ज्ञान को मात्र दान तक सीमित मत रखो, उसको अर्जित करने की कोशिश करो। फिर लिखा है राजवार्तिक में कि अगर तुझे सम्यक दर्शन हो गया और ज्ञान की प्राप्ति अगर हो गई, इन दोनों की शोभा अगर कहीं है, मात्र ज्ञान प्राप्त कर लेने से विद्वान बन जाने से इनमें कोई शोभा को प्राप्त नहीं होते, ये मोक्ष के कारण नहीं होते। चारित्र के बिना ये फलीभूत नहीं होते। ज्ञान को प्राप्त कर लिया है तो चारित्र की कसौटी पर उस ज्ञान को कसिए। अगर आपने अपने ज्ञान प्राप्ति के भाव को चारित्र की कसौटी पर कस दिया, समझ लेना आपका वह ज्ञान फलदायी बन गया। आचार्य समंत भद्र महाराज के अनुसार आप लोगों को जो चारित्र की परिभाषा दी है, देखो एक मुनि महाराज के चारित्र की परिभाषा अलग है कि वे 13 प्रकार के चारित्र के पालन करने वाले, 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ति का पालन करते, त्रय प्रकार है चारित्र, ये मुनि राजों का कथन किया। लेकिन आपसे या श्रावकों के लिए श्रावकाचार में चारित्र का कथन क्या है, तो उसमें लिखा है मोहि तिमिराप हरणे, दर्शन लावा है दवाप्त संज्ञान आय, राग उद्देश निमित्त चरणम प्रतिपद्यते साधु। ये तुम्हारे चारित्र की परिभाषा है।
तीनों को यहां समावेश किया कि मोए का तिमरा पहरने दर्शन लावाए। जिस समय यह मोए का रूपी तिमर का हरण हो जाए यानी समाप्त तो हो जाए उस समय दर्शन का लाभ होता है, और जब दर्शन का लाभ हो तो दवाप्त संज्ञा नहीं क्या प्राप्त करना चाहिए, ज्ञान की प्राप्ति करना चाहिए, उस समय ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। फिर चारित्र किसको कहा, चारित्र कैसे मिलेगा, ये दोनों मिल गए, ये दोनों हो गए तो अब चारित्र की प्राप्ति कैसे हो गई, तो लिखा है राग द्वेष निवृत्त, बस छोटा सा काम करना है। बताओ बहुत छोटा है कि बहुत कठिन है, कि राग और द्वेष की निवृत्ति करने का नाम चरणम प्रतिपद्यते साधो, अपने अंदर के राग और द्वेष को कम करते चले जाओ, अपने राग द्वेष को अपने अंदर से निकालते चले जाओ, उसका नाम चारित्र है। आप लोग पूछेंगे महाराज घर गृहस्थी में रहते हैं और राग द्वेष ना हो ऐसे कैसे संभव है, अच्छा बुरा का परिणाम तो हमारा दिन भर चलता रहता है। यहां पर राग द्वेष का अर्थ ये है ये मेरा है ये तेरा है, नहीं मेरा जो है तो मेरा तो है ही, तेरा भी मेरा है, ऐसा जो कहने वाले हैं वे क्या चारित्रवान हो सकते हैं। यहां पर संसार में बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं, तरह तरह के जीव हैं, तरह तरह की आत्माएं हैं, उसमें से तीन प्रकार की आत्माओं का वर्णन आज मैं करता हूं जो राग द्वेष से है। पहला जीव कहता है मेरा है सो मेरा है, तेरे बाप का भी मेरा है ना। दूसरा एक और होता थोड़ा सा भद्र परिणामी है, जो तेरा है सो तेरा है और मेरा है सो मेरा है, अपनी सीमा में रहता है, मर्यादा में रहता है, दायरे में रहता है, इसको मिथ्या दृष्टि तो नहीं कह सकते। पहला तो नियम से यही कहता है कि मेरा तो है ही लेकिन तेरे पास जो है वो भी मेरा तो थी, उसको लेके रहूंगा हड़प के रहूंगा। ये चारित्रवान का सम्यक चारित्री का स्वभाव नहीं, इसको मिथ्या दृष्टि ही कहा जा सकता है। लेकिन अब सम्यक चारित्री का स्वभाव देखो, दूसरा भद्र परिणामी है, सम्यक दृष्टि है कि नहीं है लेकिन कम से कम भद्र परिणामी है, भाई जो मेरा है सो मेरा है और तेरा है सो तेरा है। लेकिन तीसरा कहता है दुनिया में ना तेरा है ना मेरा है, ये चिड़िया रैन बसेरा है। बताओ आज तक कौन ऐसा जीव है जो ये कहता है कि मेरा है ये तेरा है, लेकिन सम्यक दृष्टि कहता है भाई आज तक किसी ने यहां की कौन सी चीज लेकर के गया, आज तक कौन ऐसा व्यक्ति है जो यहां की जितनी संपत्ति उसने जोड़ी वो अपने साथ लेकर के गया। हाँ लेकर के गया है तो राग और द्वेष के माध्यम से जो कर्म अर्जित किए हैं, जो कर्म का संचय किया है वो कर्म संचय के परिणाम को लेकर के भी कभी नहीं छूटते। कर्म एक ऐसी संतति है जो कभी अगर समाप्त तो होती तो मात्र एक वही क्षण है जिस समय जीवात्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन संसार भाव में जब जब भी हम राग द्वेष के माध्यम से आप परिणाम करते हो तो कर्म की संतति का आना जाना बना रहता है। यहां पर उदय कर्म का उदय हुआ, तद्रूप परिणाम हुए कर्म की निद्रा हुई
और उदय कर्म का वैवंद भी करता है। जैसे उसके परिणाम समय होते हैं उस समय उसका परिणाम भी कर्म का वंद भी वैसा होता है। आप इस समय भी अपने कर्म के उदय का अनुभव कर रहे हो, इस समय भी तुम्हारा कर्म का उदय चल रहा है, लेकिन इस समय तुम्हारे परिणाम कैसे रूप में है? विधान रूप परिणाम से युक्त हो, रत्नत्रय की आराधना में लगे हुए हो, जिनवाणी की उपासना में लगे हुए हो। इस समय आप जिनवाणी की बात सुनने में लगे हो तो आप इस समय कर्म के उदय में ऐसे परिणाम में कौन से परिणाम का बंद करते हो? अगर इस समय आपको असाधा कर्म का उदय भी चल रहा होगा, लेकिन वो असाता अभी साता रूप परिणति में होती चली जा रही है। आपका कर्म का बंद पाप रूप में नहीं है, पुण्य रूप में हो रहा है। अब हो सकता है यहाँ बैठा बैठा अगर कोई जिनवाणी के इस बात तो सुन रहा हो, पर अंदर में कसाय में उथल पुथल चल रही हो, संकलेशता आ रही हो, तो सुनते हुए भी पाप का बंद कर सकता है। लेकिन जब परिणामों में निर्मलता हो, भद्रता हो, उस समय वह कर्म का आश्रय, कर्म का बंद करेगा तो नियम से पुण्य रूप करेगा। पुण्य की भाव लेकर के वह करेगा, और ऐसे भाव जब तक इस जीवात्मा के साथ चलते हैं, इसलिए कहा जितना बन सके अपनी आत्मा को राग द्वेष से दूर रखो। यही चारित्र की सबसे बड़ी परिभाषा है आप लोगों को। एक और दुनिया में सबसे बड़ी उलझन और विवाद अगर कहीं होते हैं, आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, तो इसका मेन कारण अगर कोई है तो क्या है? राग और द्वेष, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है।